झारखंड और देश विदेश के खबरों में आप सभी श्रोतागण का स्वागत है। पहला खबर है रांची से। आदिवासी जन परिषद के अध्यक्ष बोले, झारखंड पार्टी का कांग्रेस पार्टी में विलय एक राजनीतिक भूल है। आदिवासी जन परिषद के कार्यकर्ताओं के द्वारा रांची के कर्माटोली कार्यालय में मरांग गोमके जयपाल सिंह मुंडा की 118वीं जयंती मनाई गई। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से परिषद के केंद्रीय अध्यक्ष प्रेम साही मुंडा, प्रधान महासचिव अभय भूट कुंवर, अध्यक्ष महिला मोर्चा सांदी सवैया शामिल हुए। इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए आदिवासी जन परिषद के अध्यक्ष प्रेम साही मुंडा ने मरांग गोमके जयपाल सिंह मुंडा के राजनीतिक जीवन पर प्रकाश डालते हुए कहा कि झारखंड पार्टी का कांग्रेस पार्टी में विलय करना एक बहुत बड़ी राजनीतिक भूल थी। यह खबर है धनबाद से। धनबाद रेल मंडल में रेलवे ने जुर्माना लगाकर दिसंबर में कमाए 17 लाख रुपए। कोरोना वायरस संक्रमण के बीच केवल 30% ट्रेनों का परिचालन के बावजूद भारतीय रेलवे अपनी आय बढ़ाने के लिए कई प्रयास कर रहा है। माल ढुलाई व ऑटोमोबाइल सेक्टर की लोडिंग बढ़ाने के साथ रेलवे टिकट की चेकिंग कर आय बढ़ाने में लग गया है। धनबाद रेल मंडल में दिसंबर माह में 4,080 यात्रियों से बिना टिकट और अवैध टिकट पर यात्रा करने वाले 16,98,644 रुपये की वसूली की गई, जबकि नवंबर माह में 2,081 यात्रियों से 8,77,622 रुपये जुर्माना वसूला गया था। यह खबर है जमशेदपुर से। अगले 6 दिन में 5 डिग्री बढ़ जाएगा न्यूनतम तापमान, जानिए मौसम का पूर्व अनुमान क्या है। मौसम लगातार बदल रहा है, न्यूनतम तापमान में लगातार वृद्धि दर्ज की जा रही है। अगले 6 दिन में 5 डिग्री न्यूनतम तापमान बढ़ने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के अनुसार रविवार को न्यूनतम तापमान 10.7 व अधिकतम तापमान 27.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। यह खबर है धनबाद से। निरता में अवैध खनन दुर्घटना के दौरान एक की मौत, कई के दबे होने की भी आशंका है। निरता थाना क्षेत्र में अवैध कोयला उत्खनन के दौरान चाल धंसने से एक मजदूर की मौत होने और कई अन्य के दबे होने की भी संभावना है। घटना के बाद यहां हड़कंप मचा हुआ है। वहीं इलाके में अवैध उत्खनन नहीं होने का दावा करने वाले निरता थाना पुलिस की पोल खुल गई है। आनंद फानन में अवैध उत्खनन स्थल पहुंची पुलिस ने अपनी कार्रवाई शुरू की है। यह खबर है रांची से। संविधान सभा के सदस्य और झारखंड आंदोलन की नींव रखने वाले जयपाल सिंह मुंडा को सीएम हेमंत सोरेन ने दी श्रद्धांजलि। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची स्थित मुख्यमंत्री आवास में कल रविवार को मार्ग गोमके जयपाल सिंह मुंडा की 118वीं जयंती के अवसर पर उनकी तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें नमन किया। उन्होंने कहा कि मार्ग गोमके जयपाल सिंह मुंडा ने संविधान निर्माण में अहम भूमिका निभाई थी। राज्य के ऐसे सपूत पर गर्व है जिन्होंने देश और दुनिया में झारखंड की अलग पहचान बनाई थी। वे संविधान सभा के सदस्य रहे और झारखंड आंदोलन की नींव रखी थी। यह खबर है लातेहार से। बादल पत्रलेख बोले, जनता की राय से बनेगा झारखंड का बजट। झारखंड सरकार के कृषि पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री बादल पत्रलेख ने कहा है कि हमारी सरकार जमीन से जुड़ी है, जिसको लेकर सरकार खुद आपके गांव में पहुंची है ताकि ग्रामीणों एवं किसानों की समस्याओं से अवगत हो सके। उन्होंने कहा कि सरकार बजट तैयार कर रही है, लेकिन इससे पूर्व आपकी राय जानना चाहती है एवं आपके सुझावों के आधार पर ही बजट तैयार किया जाएगा। यह खबर है रांची से। नील गाय के आतंक से परेशान है चतरा के किसान। प्रखंड के किसानों में हाहाकार मचा हुआ है, उनकी फसलों पर नील गायों के लगातार हमले हो रहे हैं। अब तक 2000 एकड़ से ज्यादा भी लगी रबी दलहन तिलहन और सब्जी की फसलों को या तो नील गायों चर गई है या अथवा अपने पैरों से रोंद कर बर्बाद कर दी है, तमाशाबीन बना हुआ है। यहाँ बताना मुनासिब होगा कि प्रखंड पिछले कुछ वर्षों से अनावृष्टि की मार झेल रहा था। खबर देश विदेश और देश की विभिन्न योजनाओं एवं खेलों से, और जानेंगे रेलवे से संबंधित जानकारियां। इंडियन रेलवे ने यात्रियों को दी बड़ी राहत, अब इन रूट्स पर भी चल रही है नई ट्रेनें। रेलवे ने कोरोना काल में यात्रियों की परेशानियों को ध्यान में रखते हुए कुछ नई ट्रेनों का संचालन शुरू किया है। भारतीय रेलवे ने जम्मू तवी और उधमपुर के लिए ट्रेनों का संचालन शुरू करने का फैसला लिया है। रेलवे द्वारा 5 नई ट्रेनों का संचालन से देश के तमाम राज्यों को यात्रियों को बड़ी राहत मिली है। स्मॉल एफटीएल सिलेंडर के लिए एड्रेस प्रूफ जरूरी नहीं, आइडेंटिटी कार्ड से खरीदेंगे गैस सिलेंडर। देश की सबसे बड़ी ऑयल मार्केटिंग कंपनी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने कल रविवार को आम भारतीय लोगों को बड़ी राहत दी है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड का
5 किलोग्राम वाला छोटा गैस सिलेंडर अब बिना एड्रेस प्रूफ के खरीदा जा सकता है। बता दें कि छोटे गैस सिलेंडर को लोग अब केवल अपना पहचान पत्र दिखाकर खरीद सकते हैं। SBI खाताधारकों के लिए बड़ी राहत, अब घर बैठे मिलेंगे ये सभी सुविधाएं। जाने किन किन ग्राहकों को होगा फायदा। अगर आप भी भारतीय स्टेट बैंक कस्टमर है तो बैंक की ओर से आपको कई सुविधाएं अब घर पर ही उपलब्ध कराई जाती है, यानी आपको उन सभी कामों के लिए बैंक जाने की जरूरत नहीं है। स्टेट बैंक की ओर से ग्राहकों को डोर स्टेप बैंकिंग की सुविधा दी जाती है। इस सुविधा में आपको बैंक की ओर से नॉन फाइनेंशियल सर्विसेज जैसे चेक, डिमांड ड्राफ्ट, पे ऑर्डर आदि का पिकअप, अकाउंट स्टेटमेंट रिक्वेस्ट, टर्म डिपॉजिट रसीद घर पर ही पहुंचा दी जाती है। आधार सेवा केंद्र की ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुकिंग के जरिए लोगों का काम हुआ आसान, ऐसे उठा सकते हैं फायदा। उपभोक्ताओं को इन दिनों आधार की ऑनलाइन सेवाएं काफी पसंद आ रही है। आधार सेवा केंद्र की सेवाएं लोगों को अनुभव को अच्छी बना रही है। लोगों को इसकी सेवाएं इतनी पसंद आ रही है कि वे इसकी तुलना पासपोर्ट सेवा केंद्र की सेवाओं से कर रहे हैं। एक यूजर ने अपना आधार सेवा केंद्र जाने और तुरंत काम होने के अनुभव ट्वीट पर साझा किया। मोबाइल नंबर बदलने का काम तुरंत हो गया तो यूजर ने इसकी तारीफ ट्विटर पर भी की। UIDFI ने अपने आधिकारिक हैंडल से इसे रीट्वीट किया। IRCTC के जरिए कीजिए नए साल पर रामायण यात्रा, 5,670 रुपये का है शुरुआती पैकेज। नए साल के मौके पर आप धार्मिक पर्यटन कर सकते हैं। देश की सबसे बड़ी रेलवे कंपनी नागरिकों को नए साल के मौके पर कई जगहों की धार्मिक यात्रा कराने जा रही है। इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेटर नए साल में देश के श्री राम पथ गमन, मल्लिकार्जुन और गंगा सागर समेत कई धार्मिक स्थलों की यात्रा कराने जा रहा है। IRCTC ने कहा कि इस पैकेज का नाम रामायण यात्रा होगा। अहंकारी सरकार की उपेक्षा से किसान कर रहे हैं आत्महत्या, किसान आंदोलन पर सोनिया गांधी। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने केंद्र को अहंकारी बताते हुए कहा कि सरकार को अन्नदाताओं की तकलीफें नहीं दिख रही है। सोनिया ने कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग करते हुए कहा, 39 दिनों से कड़ाके की ठंड और बारिश में आंदोलन कर रहे अन्नदाताओं को देख कर व्यथित हूँ। बकौल सोनिया, सरकार की उपेक्षा से किसान आत्महत्या कर रहे हैं। भारत में बनी 2 वैक्सीन को मंजूरी मिलने पर खुश नहीं है जयराम व थरूर, केंद्रीय मंत्री ने कहा। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा, हमारे निंदक मित्र जयराम, शशि थरूर और अखिलेश यादव इस बात से खुश नहीं है कि DCGI ने जिन 2 COVID-19 वैक्सीन की मंजूरी मिली है वे भारत में बनी है। उन्होंने कहा, इन्होंने पहले हमारे सैनिकों को वीरता पर सवाल उठाया था, जाहिर है कि वे अस्थायी तौर पर राजनीतिक हाशिए पर है। महिलाओं ने कपड़े फाड़े, छतों से बरसाए पत्थर, रेहान को पकड़ने पहुंची यूपी पुलिस पर जानलेवा हमला। कानपुर के हिस्ट्री सीटर रेहानार उप गुड्डू को पकड़ने गई बेकनगंज पुलिस टीम पर आरोपियों के साथियों ने पथराव कर दिया, यहां तक कि पुलिस से मोहल्ले के लोग भी भिड़ गए। किसी तरह बेकनगंज थाने के दरोगा व सिपाही वहां से जान बचाकर भाग निकले। बता दें कि रेहान D80 गैंग का सरगना है। देश में कोरोना वैक्सीन की मंजूरी पर राजनीति जारी, लेकिन WHO ने माना भारत का लोहा। देश में DCGI ने 2 कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन और कोविड शील्ड को आपात प्रयोग की मंजूरी दे दी है। दोनों ही वैक्सीन देशी है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की वैज्ञानिकों और जनता को इसके लिए बधाई दी है, लेकिन अब इन दोनों वैक्सीन के आपात प्रयोग में मंजूरी मिलते ही इस पर सियासत भी जोरों पर है। आतंकी हमले में कांप उठा पाकिस्तान, मौत के तांडव से मची चीख पुकार। पाकिस्तान के बलूचिस्तान से बड़ी खबर आ रही है। यहां शनिवार रात को संदिग्ध हथियारबंद लोगों ने कोल खदानों में काम कर रहे 11 लोगों की मौत के मुंह में ढकेल दिया। स्थानीय पुलिस के अनुसार हमलावरों ने पहले वर्कर्स को अगवा किया, फिर पास की झाड़ियों में ले गए, फिर वहां उन्हें गोली मार दी गई। हालांकि इस इलाके में पहले भी सिक्योरिटी फोर्स और पुलिस चौकी पर हमले होते रहे, जिसे यहां पुलिस को हाई अलर्ट पर रखा गया है। राहुल गांधी का PM मोदी पर हमला, किसानों को बताया सत्याग्रही, कहा अपना हक लेकर रहेंगे। नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन जारी है। इस बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने
कल किसान आंदोलन को लेकर केंद्र सरकार पर फिर से निशाना साधा है। राहुल गांधी ने चंपारण का जिक्र करते हुए दिल्ली बॉर्डर पर मौजूद आंदोलनकारी किसानों की तुलना सत्याग्रहियों से की है। राहुल गांधी ने कहा कि किसान सरकार से अपना हक लेकर ही रहेंगे। मायावती ने किया स्वदेशी वैक्सीन का स्वागत, वैज्ञानिकों को दी बधाई, मोदी सरकार से की अपील। ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया ने रविवार को सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा विकसित कोवैक्सीन और स्वदेशी भारत बायोटेक की वैक्सीन कोविशील्ड के आपात इस्तेमाल की सिफारिश कर दी है। स्वदेशी वैक्सीन को DCGI की मंजूरी मिलने के बाद मायावती ने वैक्सीन का स्वागत करते हुए वैज्ञानिकों को बधाई देकर मोदी सरकार से अपील की है कि स्वास्थ्य कर्मियों के साथ साथ सर्व समाज के अति गरीबों को भी इस टीके की मुफ्त व्यवस्था की जाए, यह उचित होगा। भाजपा के अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बोले, क्रीमी लेयर में है तो खुद छोड़ दे आरक्षण का लाभ। देश हित में जिस तरह करोड़ों लोग ने घरेलू गैस सिलेंडर की सब्सिडी छोड़ दी और सक्षम होने पर अन्य सरकारी सुविधाएं छोड़ रहे हैं, उसी तरह आरक्षण के चलते जो क्रीमी लेयर में आ चुके हैं उन्होंने जरूरतमंदों के लिए खुद आरक्षण का लाभ छोड़ देना चाहिए। यह कहना भाजपा के अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री लाल सिंह आर्य का। 70,000 रुपए में पिता ने अपनी औलाद को भी दिया, मां पहुंची थाने। हैदराबाद में एक शख्स ने औलाद और पिता के रिश्ते को सर्वसार कर दिया। आरोपी व्यक्ति ने अपने एक महीने के बच्चे को सिर्फ 70,000 रुपए में बेच दिया। उस बच्चे को फुटपाथ पर रहने वाले एक आदमी ने बचाया और बाल कल्याण विभाग को सौंप दिया। बच्चे को बेचे जाने तक एक हफ्ते बाद उसकी मां ने अपने पति के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज करवाई थी। इसके बाद पुलिस उस दंपति पर नजर रख रही थी जिसने आरोपी से बच्चे को पैसे लेकर बेचने का प्रस्ताव दिया था। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच के बाद बच्चे को बरामद किया गया। पुलिस ने कहा कि बच्चे के माता पिता फुटपाथ पर रहते हैं और अपनी रोजी रोटी कमाते हैं। खबर खेल जगत से है, रोहित शर्मा पंत और शुभमन गिल का सिडनी में खेलना तय, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया है असहाय। ऑस्ट्रेलिया दौरे पर कथित बायो बबल उल्लंघन के मामले में अब भारतीय फैंस और टीम इंडिया के लिए बड़ी खबर सामने आई है। ऑस्ट्रेलियाई मीडिया के रिपोर्ट के मुताबिक टीम इंडिया के उपकप्तान रोहित शर्मा, ओपनर शुभमन गिल और विकेट कीपर ऋषभ पंत का सिडनी टेस्ट में खेलना तय है। बता दें इन खिलाड़ियों के खिलाफ क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया बायो बबल उल्लंघन की जाँच कर रही है। ये खिलाड़ी मेलबोर्न के एक रेस्टोरेंट में खाना खाने गए थे जहां इन पर बायो बबल प्रोटोकॉल तोड़ने का आरोप लगा था। हालांकि बीसीसीआई ने इससे साफ इनकार कर दिया है। हालांकि क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने इस मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं और इस खिलाड़ियों को टीम के खिलाड़ियों के अलग रखा गया है। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।